प्याज की कीमत एक बार फिर आम जनता के आंसू निकालने वाली है। दरअसल प्याज के दाम एक बार फिर 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। इसकी वजह अफगानिस्तान से आने वाले खराब प्याज बताए जा रहे हैं। इन खराब प्याज को खरीदने से व्यापारी इनकार कर रहे हैं। कारोबारियों के मुताबिक 15 दिसंबर तक प्याज की कीमतों में गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। दिल्ली में रोज 1500 से 2000 टन प्याज की आवक हो रही है। इन दिनों मौसम में होने वाले बदलावों की वजह से प्याज की कीमतों में असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि मंडियों में प्याज का थोक भाव 35 से 60 रुपए प्रति किलो है, जबकि खुदरा बाजार में 90 से 100 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि अफगानिस्तान से अच्छे प्याज आने के बाद कीमतों में राहत देखने को मिल सकती है, लेकिन अफगानिस्तान से आने वाले प्याज बेहद खराब होने की वजह से व्यापारियों ने इन्हें खरीदने से इनकार कर दिया है। ऑनियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के श्रीकांत मिश्रा का कहना है कि नासिक, गुजरात, कर्नाटक में खराब मौसम के कारण प्याज की खेप दिल्ली नहीं पहुंच रही। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।